प्रभु को धन्यवाद देता है। हम लोग बाइबल का आखिरी किताब में आके पहुंच गया है, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित का वचन। हालेलुया। और बाइबल में हम लोग इतना किताब है, 66 किताब है। और इधर देखता है कि प्रकाशित में जब हम लोग आता है तो देखता है कि जैसा कानन का शादी में, योहन्ना का 2 में जब कानन देश का जो शादी हुआ था, उधर यीशु को बुलाया था, और उधर लिखा है कि कानन का शादी में वो जो द्राक्षरस वो दिया था पीने के लिए खत्म हो गया था, और यीशु पानी को द्राक्षरस बना दिया था। और लिखा है कि पहला द्राक्षरस से पीछे द्राक्षरस बहुत उत्तम था। हालेलुया। तो उसी प्रकार से बाइबल में भी है, पहला सब किताब से प्रकाशित का वचन का द्राक्षरस हम लोग बोल सकते हैं बहुत सुंदर है, सबसे अच्छा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर किताब के लिए। और ये किताब में हम लोग देखता है, ये किताब में हम लोग को बताता है एक विश्वासी का भरोसा है, एक विश्वासी का भरोसा ये किताब में लिखा है। हम लोग का आगे क्या होगा और कोई दूसरा किताब इतना क्लियर से नहीं बताता है जैसा प्रकाशित में बताता है कि हम लोग का भविष्य में क्या होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये हम लोग का भविष्य दिखाता है और साथ साथ में शैतान का भविष्य भी दिखाता है। अगर शैतान आपका पुराना जीवन का बारे में, आपका पाप का बारे में अगर आपका सामने रखता है तो आप उसका भविष्य उसका सामने रख सकता है, क्योंकि प्रकाशित का वचन में उधर साफ से लिखा है कि शैतान का अंत कैसा होगा। हालेलुया। तो बहुत सुंदर से बोलता है इंग्लिश में, इफ द डेविल टेल्स यू अबाउट योर पास्ट यू रिमाइंड हिम अबाउट हिज फ्यूचर। हालेलुया। और ये किताब वही चीज है, हम लोग को अपना भविष्य, शैतान का भविष्य के बारे में हम लोग को जानकारी दिया है। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि हमारा प्रभु हम लोग को ऐसा नहीं छोड़ा, लेकिन वो इंतजाम के वो रास्ता बनाया उसका दास जॉन को लेके, वो पत्मास का झील में रख के रोम राज का सजा था उनको ऊपर में, वो एक प्रकार का जेल में डालने का जैसा, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था कि जॉन को उधर रखने द्वारा इतना सुंदर रेवलेशन हम लोग को दे सकता है, इतना सुंदर जानकारी हम लोग को दे सकता है, यीशु कौन है, क्या है, स्वर्गीय स्वर्गीय राज के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी दे रहा है, और उसका साथ साथ में बताता है कि क्या क्या होने के लिए जा रहा है। जो किताब का जो नाम है रेवलेशन, प्रकाशित जो है, उसका मतलब है कि कुछ छुपा हुआ चीज को खोल के हम लोग को बताता है, खोल के हम लोग के सामने रखता है, और भी हम लोग को दिखाता है पर्दा हटाने का जैसा। हम लोग का क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियन जीवन में, ये जगत का यात्रा में जैसा पर्दा का पीछे क्या है हम लोग नहीं जानता है, प्रभु जॉन द्वारा उनका प्रिय शिष्य चेला जो है उनका द्वारा हम लोग को बताता है कि पर्दा का पीछे में क्या क्या रखा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। अभी हम लोग अंधकार में नहीं घूम रहे हैं, हम लोग अंधकार में नहीं है कि भविष्य में क्या होगा हम लोग नहीं जानता है। ये किताब द्वारा हम लोग साफ से जान सकता है कि अभी अभी क्या होगा, और जो घटना हो रहा है जगत में हम लोग देखता है क्या क्या हो रहा है, इसके द्वारा हम लोग जानता है। इधर पहला से लिख दिया है 2000 साल पहला प्रभु हम लोग को लिख के बता दिया है कि ये सब घटेगा जगत पर, और उसके बाद में अंत होगा, खत्म, सब खत्म होगा, यीशु आके कैसे राज्य करेगा जगत पर, ये सब साफ से हम लोग को बता देता है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं किताब के बारे में, इसमें 22 अध्याय है, 22 चैप्टर्स है, 1 से 5 तक आप देखता है यीशु अपना दास को बताता है उसका महिमा के बारे में, यीशु का इतना उजाला, इतना महिमा से भरा हुआ है, उसका चूल ऐसा, उनका पांव का नीचे पीतल का बराबर, उनका महिमा हम लोग को पहला दिखा देता है 5 अध्याय तक 1 2 3 4 5 तक उनका महिमा हम लोग को दिखाता है, क्योंकि
अगर वो पहला बता देता कि जगत में क्या क्या घटेगा तो हम लोग डर जाएगा, लेकिन पहला उनका जानकारी हम लोग को दिया वो कौन है। और जब हम लोग जान जाता कि हमारा प्रभु कौन है तो उसके बाद क्या होगा हमारा चिंता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनका ज्ञान में, यीशु उनका ज्ञान में उनका दास को पहला 5 अध्याय first 5 chapters में उनका परिचय हम लोग को देता है। यीशु कैसा महिमा से भरा हुआ है और यीशु कैसा बात करता है, बोलता समुद्र का गजरने का जैसा आवाज, शेर का गजरने का जैसा आवाज, यीशु का आवाज आ रहा है। और इधर जॉन बार बार बोलता है, हम देख के पूरा मुंह पर गिर पड़ा, देखने नहीं सका। और ये होता है हमारा प्रभु यीशु और आपका प्रभु यीशु के बारे में जो लिखा है, और वही प्रभु यीशु ये जगत पर बेचार करने के लिए, धार्मिकता में बेचार करने के लिए, न्याय का बेचार करने के लिए हमारा यीशु फिर से इधर वापस आएगा। वही सिंहासन पर बैठेगा और वही राज्य करेगा। हालेलुया। 1000 साल के लिए राज्य करेगा करके इधर किताब में लिख दिया है। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है। 1 से 5 तक उनका परिचय पहला दे देता है, उनका रूप दिखाता है, जो हम लोग ऐसा जानने के लिए मुश्किल है, नहीं जान सकेगा। उसके बाद में 6 से लेके 18 तक बहुत भयंकर विषय लिखा है। हम लोग जानते हो जो बेचार एक पर एक परमेश्वर ये जगत पर उंडेल दे रहा है। अभी जो हम लोग जो देखता है लगता उस प्रकार से हो रहा है, जो कोरोना वायरस हो रहा, जो भूमिकंप हो रहा, जो दुर्भिक्ष हो रहा है, सुनामी हो रहा है, ये सब उसी प्रकार से लिखा है। बोलता परमेश्वर कैसा उनका पूरा क्रोध को उंडेल दे रहा है। बोला 7 मुद्रां जो है, 7 मुद्रां जो सील है, एक एक सील तोड़ने द्वारा कितना भयंकर परिस्थिति इधर हो रहा है। परमेश्वर उसका क्रोध, उसका बेचार ये जगत पर बेचता है। उसके बाद में 7 तुरी के बारे में, ट्रम्पेट के बारे में लिखा है। वो 7 तुरी जब बजाता है, एक एक स्वर्गीय दूत एक एक तुरी बजाने से ये जगत पर क्या घटता है उधर लिखा है। आप पढ़ के खुद जान सकता है उधर क्या क्या लिखा है। उसके बाद में 7 कटोरा का बारे में लिखा है, 7 कटोरा जो परमेश्वर स्वर्ग से जो जमा किया है ये जगत पर पूरा उंडेल दे रहा है बेचार का जैसा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग ये 7 7 7 करके हम लोग जो देखता है, 7 मुद्रांत सील, 7 तुरी ट्रम्पेट और 7 जो कटोरा जो है, जो बोल जो लिखा है बाइबल में, ये सब जो घटेगा हम लोग 6 से 18 तक देखने के लिए पाता है। और शैतान कैसा क्या क्या करने के लिए जा रहा है, कैसा साधु लोग को हैरान करेंगे, कैसा मंडली को आपके पीछे लगेंगे, ये सब लिखा है ये 6 से 18 तक। उसके बाद में 19 20 21 और 22 होता है सबसे उत्तम माने चैप्टर पूरा बाइबल में। उधर पूरा साफ लिखता है कि कैसा यीशु उसका महिमा में आएगा, नया जेरूशलेम को लेके आएगा और ये जगत पर राज्य करे 1000 साल के लिए। लिखा है जैसा जूद में लिखा है, उसका साधु लोग का साथ में आएगा, उसका मतलब मंडली का साथ, जिसको वो उठा के लेके चले गया, जिसको उठा के लेके चले गया, जिसको अपना अपना खून द्वारा उद्धार किया, जिसका पाप को माफ कर दिया है, जिसका नाम उसका जीवन का पुस्तक में लिखा है, ये सब प्रकाशित में लिखा है, उनको उठा के लेके चले जाएगा। उसके बाद में 7 साल के लिए शैतान का राज, दुष्ट आत्मा का राज इधर चलेगा। आप इसको आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए, जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, कब्र से जी उठा, 40 दिन के लिए जगत पर था, उसके बाद यीशु ने चले गया, शरीर में उठ के एक बादल में जाके चले गया। और उसके बाद में लिखा है, बोला हम जाने से पवित्र आत्मा को भेजेगा, और वो जाने के बाद 10 दिन के बाद 120 जन उनका प्रेरित लोग उधर जमा था एक उत्तर ऊपर कोठरी में, और उधर जमा होने के समय में 10 दिन वो लोग ठहरा था, और यीशु जैसा वादा किया उसका पवित्र आत्मा को उंडेल दिया।
और उस समय से पेंटिकॉस का दिन से 2000 साल आगे से अब तक पवित्र आत्मा इधर ही है। पवित्र आत्मा वापस ले लिया करके कहीं पर नहीं लिखा है बाइबल में, पवित्र आत्मा इधर ही है। और लिखा है बाइबल में और एक जगह में, जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा यीशु का शरीर से कब्र से उठाया, वही पवित्र आत्मा हम लोग अंदर में रहता है, हम लोग भी अपना कब्र से उठाएगा। ये भरोसा के लिए, ये वादा के लिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। वही पवित्र आत्मा इसलिए अभी तक इधर ही है। जब मंडली को प्रभु यीशु आने आएगा लेने के लिए, लिखा है इधर कि अपना स्वर्गीय दूत लोग का साथ आके यीशु मध्य आकाश में खड़ा होगा, बादलों में खड़ा होगा, और बड़ा जोर से तूरी बजेगा, और जो यीशु में मरा है या सोया है कब्रस्तान में वो उठेगा, और हम लोग जो जीवित है हम लोग भी उठ के एक चुंबक टांगने का जैसा यीशु के पास में हम लोग सब उड़ के चले जाएगा। ऐसे बाइबल में दिया है, हम लोग जब उठ के चले जाएगा, हम लोग यीशु के साथ में कोई जगह में हम लोग चला जाएगा जिसके बारे में हम लोग नहीं जानता किधर क्या है, लेकिन हम लोग जानता है कि इधर का हालत क्या होगा। इधर भयंकर हालत होगा 7 साल के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, 7 साल के लिए इधर भयंकर हालत होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा मंडली को उठा के लेके चले गया, जब यीशु आके तूरी बजाएगा, तो पवित्र आत्मा मंडली मतलब हम ही लोग को, हम ही लोग मंडली है, जो बिल्डिंग है, जो बेथल चैपल लिखा है वो मंडली नहीं जाएगा ऊपर, हम ही लोग जो मेंबर्स है, और बाहर जगत का चारों तरफ में जिधर जिधर विश्वासी लोग है, यीशु का तूरी का आवाज सुन के ये इधर पवित्र आत्मा उनको उठा के यीशु के पास में ले लेगा। और जब यीशु के पास ले लेगा, उसके बाद में पवित्र आत्मा जब चले गया मंडली को लेके, तो इधर शैतान का राज 7 साल के लिए होगा, भयंकर होगा। उसको प्रकाशित का वचन में आप पढ़ के जान सकता क्या होगा। प्रभु हम लोग को बताया कि आखिरी समय में क्या क्या घटेगा, तो 7 साल के लिए शैतान का राज इधर होगा। और जब पवित्र आत्मा चले गया, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, शांति का राजकुमार जब मंडली चले गया, इधर भयंकर होगा। अनेक प्रभु का दुश्मनी लोग जो क्रिश्चियन लोग को देखने के लिए नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ बहाना करता है कि क्रिश्चियन लोग को कैसे रास्ता से हटाना, सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होगा, क्योंकि जब क्रिश्चियन लोग को उठा देगा प्रभु, उनका असल रंग उनको पता चलेगा, उनको उस समय पता चलेगा कि एक विश्वासी का कीमत क्या था, एक विश्वासी कौन है, वो विश्वासी जगत पर रहने द्वारा उनका क्या फायदा होता था, उस समय में वो पता चलेगा। क्योंकि उस समय में और प्रेम नहीं रहेगा जगत पर, और शांति नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम शांति ये सब दया ये सब चीज जो है मंडली का साथ में उठ के चला जाएगा। और शैतान का राज इधर जब होगा, अनेक जन को पसंद नहीं लगे लेकिन बहुत देर हो जाएगा, उसके लिए और दवाई नहीं है, उसके लिए और रास्ता नहीं है बचने के लिए, उनको सहना पड़ेगा, उनको उस समय में वो 7 साल के लिए उनको सामने करना पड़ेगा। और उसके बाद 7 साल के बाद में यीशु फिर हम लोग का साथ इधर वापस आएगा, जैसा प्रकाशित का वचन में लिखा है, नया जेरूसलम का साथ। जॉन बोलता हम देखा नया जेरूसलम स्वर्ग से उतर आ रहा है, और सोना का सूरज का जैसा चमक रहा है, और वो नया जेरूसलम आके ये धरती पर, हमको लगता है प्रभु यीशु और एक बार सृष्टि करने के लिए जा रहा है, क्रिएशन करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, ये बहुत गंभीर बात है और दूर का बात है, हम लोग का समझने का बाहर का बात है, लेकिन उसी तरह दिखता है, क्योंकि ये जगत को प्रभु ने आग से साफ कर लेगा, आग से साफ करने के बाद में फिर एक नया सृष्टि होगा। और यीशु अपना साधु लोग के साथ में 1000 साल, जो मिलेनियम रूल जो बोलता है,
शांति का राजकुमार यीशु ने 1000 साल के लिए यह धरती पर राज्य करेगा। हालेलुया। उसमें आपका नाम लिखाने के लिए अभी आपको रिजर्वेशन बनाना है, अभी आपका नाम लिखाना है, अभी समय है, अभी समय है, अभी पवित्र आत्मा काम करता है, अभी किताब खुला है आपका नाम लिखने के लिए, अभी यीशु का खून जो 2000 साल क्रूस पर दिया था वो अभी भी वो झरना खुला है आपका पाप को माफ करने के लिए। जो पाप माफ के माफी मांगता है इस समय में, जो अपना पाप के लिए माफी मांगता है और जो प्रभु को अपना खून से धोने के लिए मांगता है, बोलता है, तो उस समय में क्या होता है, प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति को अपना अपना खून से धो देता है, और जब अपना खून से धो देता है तो उनका नाम जीवन पुस्तक में लिखता है, क्योंकि लिखा है बाइबल में योहन्ना का 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसका एक ही बेटा यीशु को दे दिया माने जो क्रूस पर मरने के लिए दिया था, कि जो कोई उस पर विश्वास करोगे वो विनाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उसका मतलब वो समय अभी है, वो ऑफर अभी है। अभी बीच बीच हम लोग गया था बिग बाजार में, उधर एक ऑफर था। अब मेडिकल गया था, उधर एक ऑफर था। इतना सारा रुपया का काम, इतना सारा टेस्ट आप 599 में कर सकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते, उस समय हम गया और हमारे इतना सारा टेस्ट 599 में दे दिया। अभी आप जाने से आपको पूरा पैसा बांधना पड़ेगा। उसी तरह ये ऑफर अभी है, 2000 साल आगे से ये ऑफर परमेश्वर ने जगत को दिया है, मानव जाति के लिए। देश देश में प्रचार चलता है, हर प्रकार का रास्ता से, हर मीडिया द्वारा, खबर कागज द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा, सब तरफ से प्रभु का ये सुसमाचार इसलिए प्रचार हो रहा है, आपको एक मौका दे रहा है बच जाने के लिए, एक मौका दे रहा है प्रभु का परिवार के अंदर में प्रवेश होने के लिए। और जब वो ऑफर खत्म होगा, जब यीशु आएगा, जब यीशु वापस आएगा मध्य आकाश में और मंडली को उठा के लेके चले जाएगा, वो ऑफर बंद हो जाएगा। और प्रभु यीशु खुद बोलता है वो दिन, वो तारीख, वो समय, वो घंटा कोई नहीं जानता है, सिर्फ हमारा पिता जानता है। और हम लोग जानते हैं प्रकाशित का वचन पढ़ने द्वारा, हम लोग जानते वो समय निकट हो गया है, वो पास हो गया, यीशु आने का समय हो गया है। जो कुछ घटना था जगत पर वो घट घट के हो रहा है, आ रहा है, और खराब से खराब होते जा रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि प्रभु का आने का समय निकट हो गया है। और जब प्रभु यीशु आएगा और जब जितना जन तैयार है उसको लेके चले जाएगा, तो जो रह जाएगा उनके लिए सेकंड चांस नहीं है और मौका नहीं होगा। वो किताब जब बंद हो गया, जब किताब बंद हो जाएगा, तो किसी के लिए वो ऑफर नहीं होगा। आप जितना सर पटाने से भी आपके लिए वो दुकान और वो दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा अभी खुला है, इसलिए प्रभु यीशु बोलता है देखो हम तुम्हारे लिए खुला दरवाजा रखा, उसमें प्रवेश करो। क्योंकि जब दरवाजा बंद हो जाएगा, बोलता जब हम बंद करता है कोई खोलने नहीं सकता है, और जब हम खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। तो वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता अभी के लिए, लेकिन अगर आप प्रवेश नहीं करेगा, यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, यीशु को नाम नहीं बुलाएगा, अनुताप नहीं करेगा, अपना पाप का रास्ता को नहीं छोड़ेगा, तो दरवाजा जब बंद होगा, जैसा प्रभु एक एक दृष्टांत दिया था, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कन्या लोग बोलता हूँ, 5 ज्ञानी लोग जो था वो लोग प्रवेश कर दिया, जो 5 मूर्ख जो था वो लोग आया, थोड़ा देरी में आया। वो लोग गया था तेल लाने के लिए, लेकिन जब वापस आया तो दरवाजा बंद था। आप पढ़ सकता है, बाइबल में पढ़ सकता है, मत्ती का 25 में लिखा है, जब दरवाजा बंद हो गया तो वो लोग आके बुलाने लगा,
प्रभु प्रभु खोलो, प्रभु बोलता तुम कौन है हम नहीं जानता है, तुम कौन है हम नहीं जानता है, दूर हो दुष्ट काम करने वाले व्यक्ति। ये बात अगर आप सुनने नहीं चाहता है, अभी अनुताप का दिन है, हम लोग ये वीडियो सब बनाना और ऑनलाइन छोड़ना, यूट्यूब में छोड़ना, कारण यही है, आप लोग जैसा मौका पाएगा, आप लोग जैसा ये खबर पाएगा कि यीशु के नाम में उधार है और कोई दूसरा नाम है ही नहीं, हालेलुया, इसलिए ये वीडियो हम लोग छोड़ रहे हैं। और ये प्रकाशित वचन लास्ट किताब है बाइबल का, और मैंने हम नहीं जानते लास्ट मैसेज भी हो सकता है, लेकिन ये लास्ट मैसेज बाइबल का है। तो अगर ये लास्ट है आपके लिए, हम नहीं जानते, आपको हम मदद नहीं कर सकते हैं, आपको कोई मदद नहीं कर सकेगा, अगर ये मौका आप हरा दिया और शायद मौका नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग अपना किताब में फिर से वापस जा रहे हैं। इधर लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, परमेश्वर जो योजना किया है, परमेश्वर जो प्लान किया ये जगत के लिए और मंडली के लिए और लोगों के लिए, ये किताब में प्रभु खोल के समझाता है, इसलिए प्रकाशित इसका वचन है। दूसरा दूसरा किताब जितना नया नियम में है उसका कुछ घटना लेके कुछ प्रकाशित देके ऐसा लिखा है, लेकिन प्रकाशित का वचन सिर्फ प्रभु का आने का बारे में, प्रभु का ये जगत का भविष्य का बारे में एक प्रकाशित है, जो पर्दा खोलने का जैसा, हम लोग जो नहीं जानता पर्दा का पीछे क्या है, लेकिन प्रभु जॉन द्वारा, जॉन को पात्मास का झील में लेके दर्शन द्वारा और सामने सामने खड़ा होकर बातचीत करके जॉन को प्रभु ने, यीशु ने खुद बताया, इसलिए ये किताब है प्रभु यीशु के बारे में प्रकाशित होता है, प्रभु यीशु खुद बताता है वो कौन है, वो क्या है और क्या करने के लिए जा रहा है। ये प्रकाशित का वचन द्वारा यीशु ने जॉन को बता दिया, बोलता मंडली को बताओ, मंडली को बताओ, मंडली कौन है, ये हम ही लोग जो है, बोलता हम लोग को बताने के लिए, इसलिए हम लोग वचन पढ़ता है, योहन्ना का वचन पूरा शुरू से, मंडली जब से शुरू हुआ, जो अर्ली चर्च जो बोलता है, उस समय से प्रकाशित का वचन को वो लोग ग्रहण किया और विश्वास करता है, उस समय से प्रचार करके आ रहा है, बोल बोल के आ रहा है, ऐसे ऐसा वो लोग उस समय में वो लोग सोचता था यीशु हम लोग का समय में, हम लोग का दिन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होते होते 2000 साल कंप्लीट हुआ। ये 2000 साल बहुत डेंजर नंबर है, यीशु आने का आगे 4000 साल, यीशु आने का बाद 2000 साल, 6000 जब हो जाता है तो परमेश्वर ये पृथ्वी को 6 दिन में बनाया, 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन है, तो 6 हो गया, 7 नंबर दिन में परमेश्वर ने आराम किया करके लिखा है, रेस्ट किया करके लिखा है, तो परमेश्वर का 1000 साल, हम लोग का उनका एक दिन। तो यीशु जब इधर आएगा और शांति का राज करेगा तो 1000 साल के लिए करेंगे, तो हमारा हम लोग का हिसाब बहुत पास पास हो जाता है, 6 हो जाता है इधर, और यीशु आके 1000 जब करेगा तो 7 नंबर कंप्लीट हो गया। जब हमारा कैलेंडर 2022 दिखाता है, उसका मतलब हम लोग ओवर टाइम में रहता है, हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देता है, जब कोई पार्टी गोल नहीं स्कोर किया, जब दो टीम खेलता है फुटबॉल और दोनों तरफ से जब गोल स्कोर नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देता है, 5 मिनट 5 मिनट देता है, तो एक्स्ट्रा टाइम अभी हम लोग का चलता है, क्योंकि यीशु गोल मारने चाहता है, यीशु मंडली को भरने चाहता है, बोला गली गली में जाओ, देश देश में जाओ, जंगल जंगल में जाओ, गांव गांव में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, हम चाहता कि हमारा घर भर के रहना, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं है जब एक पापी अपना पाप में मरता है, वो चाहता है सबको जानना है, एक रास्ता है, परमेश्वर चाहता है सबको जानना है, सबको एक मौका देना है,
अपना पाप से बचने के लिए, उनका राज में प्रवेश होने के लिए कम से कम एक बार दूसरा को चांस मिलना चाहिए। इसीलिए सुसमाचार चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ बोल रहा है, इसलिए लोग अपना जान को खतरा में डाल के सुसमाचार प्रचार करता है। आज हम पेपर में देख रहा था, उधर लिखा है, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर किसी को कुछ दान देने से, चैरिटी देने से हमारा उद्देश्य नहीं होना उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए, अगर उद्देश्य है तो वो दान देना वो रॉन्ग है, वो गलती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो भी बोलने दो, जो भी जो बोलता है बोलने दो। यीशु बताया है ये सुसमाचार लेके जगत का कोना कोना तक पहुंचाओ। ये लोभ लालच का नहीं है, ये घूस दे के क्रिश्चियन बनाने का बात नहीं है। सुसमाचार हर एक जन सुनने के लिए मौका मिलना है, ये प्रभु का आदेश है, ये प्रभु का हुक्म है। और प्रभु चाहता है कोई एक जन नहीं सुन के नहीं बोलना है कि हम नहीं जानता था। तो इसीलिए सुसमाचार प्रचार होता है, वो किसी हालत में जो भी करता है लेकिन सुसमाचार पहुंचना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से इधर लिखा है, हम लोग देखेंगे जॉन, उसका नाम ये एक ही किताब में चार बार दिया है, उसका रेफरेंस हम आपको देगा जब हम लोग वीडियो छोड़ता है, उसका रेफरेंस देगा। चार बार जॉन इधर अपना नाम देता है। आप जानता है गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है यही जॉन लिखा था, और उधर उसका नाम कभी बोलता नहीं। वो बोलता है जो प्रेरित, जो चेला को यीशु ने प्रेम करता था उसका नाम नहीं बताता है। उसके बाद वो तीन पत्र भी लिखता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जॉन, तीन पत्र जो है यही जॉन लिखा है, उधर भी अपना नाम नहीं बताता है, लेकिन प्रकाशित में उसका नाम चार बार बताता है। हालेलुया। तो ये हम लोग जानकारी, हम लोग का जानकारी के लिए हम आपको बताता है कि वही जॉन है जो यीशु का आखिरी भोजन करने के समय में यीशु के छाती में अपना सर रखा था, यही जॉन। इसलिए बोलता जॉन द बिलवेड, क्योंकि वो अपना सर यीशु का छाती पर रखा था। जब यीशु जॉन और उसका भाई जेम्स को बुलाया, वो लोग जबिडी का बेटा लोग है, वो दोनों को जब बुलाया वो लोग इतना प्रेमी, इतना नरम नहीं था। समारिया का गांव में जब यीशु जा रहा था तो समारिया का लोग बोला इधर से तुम लोग नहीं आ सकता है। तो यही जॉन और ये जेम्स दोनों भाई लोग यीशु के पास आया और बोला एलाइजा जैसा आग गिरा के वो गांव को जला दिया, हम लोग भी आग बुला के वो गांव को जला देगा क्या? यीशु बोलता तुम नहीं जानते, तुम क्या बोल रहे, चुप। क्योंकि यीशु उनको प्रेम सिखाता था और जॉन प्रेम सीखा। हालेलुया। इसलिए जॉन प्रेम के बारे में ज्यादा लिखता है। हम लोग देखते हैं जॉन का 1, 2, 3 वो जो उसका पत्र लिखा है, वो तीनों पत्र खाली प्रेम के बारे में है। गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव, वो बार बार लिखता है। वो कैसा सीखा? वो यीशु के साथ में जब 3.5 साल के लिए था और यीशु का छाती पर जब वो अपना सर रखा, वो यीशु का दिल का बात वो जान सका कि प्रेम से भरा हुआ है। तो इसीलिए बड़ा प्रेमी चेला हो गया जॉन, और यही जॉन को प्रभु ने भरोसा किया। वही जॉन को, वही जॉन जो प्रेम के बारे में जानता था। अगर आप प्रेम के बारे में, प्रभु का प्रेम के बारे में जान सकता है, आप लास्ट तक विजय करके आप खड़ा होकर रहेगा या आप हार जाएगा। जॉन क्रूस के पास में, यीशु के क्रूस के पास में खड़ा था अकेला, और बाकी सब चेला लोग सब भाग गया। प्रेम आपको लास्ट तक खड़ा होने के लिए देगा। हालेलुया। और उधर यीशु उसको पुरस्कार भी दिया, उसका खुद का मां अपना भाइयों को नहीं दिया, अपना खुद का मां मरियम को जॉन का हाथ में हवेले किया, बोला मां तुम्हारा बेटा, बेटा तुम्हारा मां। और लिखा उसी दिन से जॉन, यही जॉन मरियम को अपना घर मां का हिसाब से लेके चले गया। हालेलुया। यही होता है, यही जॉन जो लिखा है वो प्रेम के बारे में जब सीखा तो लिखा है कि जॉन बार बार प्रेम के बारे में बोलना शुरू किया। हालेलुया। और देखता है इधर प्रकाशित में भी इतिहास में बोलता है, चर्च हिस्ट्री में बोलता है, सब प्रेरित लोग को
मार डाला। बहुत भयंकर मरण वो लोग का हुआ, कोई क्रूस पर, कोई कोई गरम तेल में डाला, कोई कोई गरम पानी में डाला, कोई कोई घोड़ा का पीछे बांध के घुसड़ घुसड़ के उसको मार दिया, किसी किसी को खड़ा करके उनका चमड़ा उतार दिया, मार दिया। ऐसा भयंकर मरण उनका हुआ। और बोलता है, इतिहास में बोलता है कि ये जॉन को गरम तेल में डाला लेकिन वो मरा नहीं। तो इसलिए रोम राजा देखा ये मरने वाला नहीं है, तो ये झील में लेके पैटमॉस में लेके उसको रख दिया। जब प्रभु किसको बचाना चाहता है उसको कोई मारने नहीं सकता है, और अगर प्रभु मारने चाहता है कोई डॉक्टर बचाने नहीं सकता है। हमारा जीवन, हमारा मरण यीशु के हाथ में है। जब तक प्रभु आपको इधर रखने चाहता है वो आपको रख सकता है, आपको कोई हटाने नहीं सकेगा आपका काम खत्म होने तक। जॉन को जब लेके पैटमॉस में रखा, उनका डेट और नहीं दिया है वो कब पैटमॉस झील से वापस आया, लेकिन रोम राजा लेके उनको उधर डाल दिया। हो सकता रोम राज का जो भयंकर राजा जो था, नीरो जो था, जो क्रिश्चियन लोगों को ताराना दे रहा था, हो सकता उनका समय में, और वो लिखा था, और जाके दर्शन देके ये सुंदर किताब हम लोग का सामने रखा। शैतान सोचा जॉन का काम खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने जब तक खत्म नहीं बोलता है तो खत्म नहीं होता है, पर प्रभु ने उनको लेके वो झील में रख के ये सुंदर किताब लिखने के लिए उसको रखा था। शैतान सोचा कि खेल खत्म, पैसा आ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, हम लोग देखते हैं की वर्ड जो है रेवलेशन का, द रेवलेशन ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु का आने का बारे में प्रकाशित देता है। हालेलुया। और हम लोग देखते की वर्सेस जो है हम लोग पढ़ेंगे, 1:19 हम लोग देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1:19। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, उन्हें लिख ले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु उनको दर्शन देके बात कर रहा है, बोला जो जो चीज आप देखता है, जो चीज है, जो चीज होने के लिए जा रहा है, इसके बाद ये सब चीज लिखो लिखो और मंडली को बताओ। हम लोग जानता है एशर माइनर का 7 मंडली का पास में पत्र लिखा है, आप आगे पढ़ सकता है, 2 और 3, रेवलेशन का 2 और 3 आप देखते हैं। मंडली को प्रभु ने कुछ संदेश भेजा, पत्र लिखा था, तो आज वो हम लोग के लिए भी है। बोलता राइट टू द चर्चेस, 1 मंडली नहीं उस समय के लिए, नहीं अभी के लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। और एक की वर्स हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:11-15। फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। इसके नेत्र आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत, स्वच्छ और महीन मलमल पहने श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती हैं। उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है कि वह उससे जाति जाति का संहार करे। वह लोहा दंड से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की मदिरा का रसकुण रौंदेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। इधर दिखाता है, आप लोग खुद अपना बाइबल में देख के पढ़ सकता है कि वो देखा कि यीशु कैसा आ रहा है, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। जॉन ने दर्शन में देख के लिखा है, इधर लिखा क्या क्या हो रहा है, बोलता हम देखा स्वर्ग खुल रहे हैं और देखो एक सफेद घोड़ा, और वो घोड़ा पर जो बैठा है वो विशिष्टता है और सच्चे है, फेथफुल एंड ट्रू जो लिखा है। और उधर लिखा है उसका आंख पूरा आग का जैसा जल रहा था, उनका सर पर अनेक मुकुट था और एक नाम था
जो सिर्फ वही जानता था क्या है, और उसका कपड़ा ऐसा था जैसा खून में डुबाया हुआ है, ऐसा उसका उसका कपड़ा लाल रंग का था, और उसका नाम था परमेश्वर का वचन। जब वचन आप पढ़ता है, जब वचन आप पढ़ता है तो जानो वो यीशु ही है, वचन यीशु ही है। हालेलुया, इसीलिए इधर लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, और कुछ बोलता है, बोलता है और स्वर्ग का जो सैनिक लोग सब पूरा सफेद सफेद कपड़ा में, सब कोई अपना अपना घोड़ा में, सफेद सफेद घोड़ा में यीशु के साथ आ रहे करके जॉन दर्शन देख रहे हैं। हालेलुया, और यीशु का मुंह से एक दो धार का तलवार बाहर निकलता है, दो धार का तलवार उसका मुंह से, दो धार का तलवार मतलब ऐसे भी काटेगा वैसे भी काटेगा। परमेश्वर का वचन हम लोग जानते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धार का तलवार और डबल एजेड सोर्ड जो लिखा है, बोलने वाला को काटता है, सुनने वाला को भी काटता है। हालेलुया, वचन का, प्रभु का वचन हमारा अंदर अंदर को, हमारे हृदय, हमारा हड्डी, हमारा जो बोलता मैरो, उधर तक पूरा वो वचन काट काट के अंदर जाता है। हालेलुया, जो सुनने वाला है, इसलिए बोलता है जिसका कान है सुनने के लिए, सुनने दो कि आत्मा क्या बोल रहे है। हालेलुया, और इधर लिखा है वो दो धार तलवार से प्रभु ने खुद खुद बेचार करेगा। हालेलुया, ये जगत पर राज्य करेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, ये सब बात लिखा है, आप लोग खुद प्रकाशित में पढ़ सकता है, 19, 20, 21, 22, ये चार अध्याय में बड़ा आनंद का विषय लिखा है, आप उसको पढ़ के बड़ा खुश होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु का राज के बारे में वो चार अध्याय में साफ लिखा है। हालेलुया, हम आपको बता दिया पहला 5:1-5 अध्याय हम लोग देखता है, उधर लिखा है कि प्रभु का महिमा के बारे में दिखाता है, प्रभु कैसा महिमा से भरा हुआ है, उसका कपड़ा कैसा, उसका आवाज कैसा, उसका चेहरा कैसा दिखता है, कैसा महिमा से भरा हुआ है। जॉन देख के बोलता, बार बार बोलता, मुंह के ऊपर गिर पड़ा। हालेलुया, 5 अध्याय तक, उसके बाद में 6-18 तक शैतान का राज में क्या क्या होगा, भयंकर बेचार कैसे जगत पर होगा, वो सब लिखा है 6-18 तक। फिर 19-22 तक प्रभु यीशु का राज के बारे में कितना सुंदर से समाप्त होता है। हालेलुया, और उसका आखिरी वचन है और लिखा है 22:20 में लिखा है, इवन सो कम लॉर्ड जीसस। हम लोग का प्रार्थना वही होता है कि हाँ प्रभु यीशु आप जल्दी आना। हालेलुया, यीशु का अनेक प्रकार का नाम इधर है, वो नाम जल्दी जल्दी से हम बोल दे रहे हैं, उसका टाइटल जैसा है वो टाइटल हम बोल दे रहे हैं, और उसका रेफरेंस का साथ में ये वीडियो में भी हम लोग छोड़ेंगे, आप लोग देख सकता है। नंबर 1 होता है 1:17 में लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट, यीशु शुरू और शेष है, बिगिनिंग एंड एंड है, फर्स्ट एंड लास्ट है। यीशु के बारे में लिखा है 1:17 में, 1:18 में लिखा है जो जीवित है, जो जिंदा है। हालेलुया, हम लोग जानते हैं कि हमारा यीशु हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया, यीशु मरा देवता नहीं है, यीशु मरा हुआ नहीं है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, और तीसरा बोलता है 2:18 में लिखा है परमेश्वर का बेटा करके लिखा है, परमेश्वर का बेटा करके उधर लिखा है, द सन ऑफ गॉड। आप देखते हैं कि 2:18 में लिखा है, 3:7 में लिखा है वो पवित्र और सच्चाई है, होली एंड ट्रू, होली एंड ट्रू। 3:7 में लिखा है, 3:14 में लिखा है द एमेन, जो माने जो शेष जो है, जो अंत जो है, द एमेन, द फेथफुल, द ट्रू विटनेस, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये सब यीशु के बारे में लिखा है। जॉन जो प्रकाशित पाया प्रभु से, और प्रभु जो उसको बताया, प्रभु खुद उससे बात किया, वही बात जॉन इधर लिखा है, बोलता यही है जो विशिष्ट है और जो सच्चा गवई है, जो परमेश्वर का सृष्टि का आराम है, शुरू है,
उसके बाद लिखा है 5:5 में लिखा है द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। हालेलुया, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, जूडा वंश का शहर के बारे में लिखा है। हालेलुया, हमने जानता पत्रस लिखा है तुम्हारा शत्रु एक शेर का जैसा घूम रहा है। शेर का जैसा शेर नहीं है, शेर एक ही है, उसका नाम यीशु है। जूदा प्रदेश का शेर होता है यीशु, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, वही शेर है और कोई नहीं है। हालेलुया, और लिखा है दाऊद का वंश का है, 5:6 परमेश्वर एक मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। 19:11 में लिखा है फेथफुल एंड ट्रू, विशिष्टता और सच्चाई है यीशु, ये सब यीशु का टाइटल दिया है। 19:13 लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, ये सब टाइटल यीशु को दिया है। उसके बाद में 19:16 लिखा है किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा खाली एक ही है, ऐसे राजा लोग बहुत है, लेकिन राजाओं का राजा खाली एक ही है और प्रभुओं का प्रभु खाली एक ही है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, 22:13 में लिखा है अल्फा और ओमेगा, हम लोग जानते अल्फा और ओमेगा अल्फाबेट्स का ए और जेड है, अल्फा और ओमेगा, तो उधर ही यीशु का वो टाइटल दिया है, वो शुरू है, वो शेष है, वो लास्ट है, उसका आगे कोई नहीं है, उसका बाद और कोई नहीं है, यीशु सब में सब है। हालेलुया, अल्फा और ओमेगा। और 22:16 लिखा है द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, उजाला भोर का तारा बोलता है, द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। हालेलुया, और 22:21 लिखा है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, इसी तरह प्रकाशित का वचन लिखा है और हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग बाइबल कंप्लीट कर सका आप लोग का साथ। हर बाइबल में हम लोग एक एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, हम लोग का उद्देश्य था कि जो जो पुराना नियम ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ता है उनको कुछ एक इंट्रोडक्शन जैसे एक थोड़ा जानकारी एक एक किताब में देगा करके हम लोग शुरू किया था। हम लोग नहीं सोचा था कि हम लोग रेवोल्यूशन तक आ जाएगा, हम लोग सोचा पुराना नियम मालकी में आने से उधर खत्म कर देगा, लेकिन जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा नया नियम भी शुरू कर दिया और आज आप लोग अच्छा दिन में आया है। आज हम लोग का लास्ट किताब बुक ऑफ रेवलेशन खत्म हो गया है, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में लिखा है बिहोल्ड आई कम क्विकली, यीशु जल्दी से आ रहा है। हालेलुया, यीशु बोलता हम जल्दी से आ रहा है। हालेलुया, तो पूरा बाइबल आप बोल सकते पूरा बाइबल प्रकाशित किया, पूरा बाइबल का लास्ट लिखा है इवन सो कम लॉर्ड जीसस। हम लोग का ये प्रार्थना है हाँ प्रभु यीशु आप जल्दी से आओ। यीशु का इंतजार कौन कर रहा है? जो यीशु पर विश्वास किया है, जिसका पाप यीशु का खून से माफी हो गया है, जिसका नाम यीशु का जीवन पुस्तक में लिखा है, जो वो राज में रहने के लिए तैयार होके आ रहा है और जो रेडी है यीशु के साथ घर जाने के लिए, वो ही ये बात बोल सकता है यीशु तुम्हारा स्वागत है, वेलकम यीशु, जल्दी से आओ। हम लोग ठहरा है, हम लोग कितना जन में ऐसा है प्रभु और थोड़ा प्रभु और थोड़ा प्रभु और थोड़ा हमारा और थोड़ा काम बाकी है। नहीं, वो टाइम वो दिन वो समय कोई नहीं जानता, प्रभु बोला ये सिर्फ पिता ने जानता है। और ये जगत में जो परिस्थिति हो रहा है ये दिखाता है कि यीशु का आने का टाइम पक गया है, पक्का हो गया है। हालेलुया, कोई भी समय में यीशु आ जाएगा। हमारा प्रश्न है इतना सुनने के बाद इतना जानने के बाद आप क्या यीशु के साथ जाएगा क्या? अगर आप नहीं जाएगा सबसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही है, कि अगर इतना जानने के बाद आप अगर उधर नहीं जाएगा क्या फायदा है? इतना प्रचार करने के बाद, इतना सुंदर सुंदर गाना गाने के बाद, इतना सुंदर से माने दान देने का द्वारा कितना आत्मा प्रभु के पास लाया, जब खुद का खुद हम नहीं जाएगा तो फायदा क्या? इसलिए अपना आप को प्रस्तुत करो और अपना आप का जीवन को खोजो, हम कैसा जा सकेगा,
हमारा बात, हमारा प्रार्थना वही होना है कि प्रभु हम कैसा तैयार होगा जाने के लिए, क्योंकि अगर सब होने का बाद अगर हम पास्टर हो के ये हो के वो हो के अगर हम खुद नहीं जाएगा कोई फायदा नहीं हुआ। हम जब इधर रह जाएगा तो दुष्ट आत्मा का राज, शैतान का राज में हमको भी इधर रहना पड़ेगा, और दूसरा चांस, सेकंड चांस नहीं है। प्रभु हम भूल के हमको और एक बार चांस तो नहीं है, एक ही बार। जब तुरी बजेगा तो बोलता है जो यीशु में रेडी है वो आंख बंद करके खोलने का जैसा बिजली का तरफ यीशु अपना मंडली को उठा के ले जाएगा और बोलता हमेशा के लिए यीशु के साथ हम लोग उधर होगा। हम लोग क्या वो प्रार्थना कर सकते हैं? इवन सो कम लॉर्ड जीसस बोल सकता है, इवन सो कम लॉर्ड जीसस।